गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग अबाउट मीडिया। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दैट इन 1857 ब्रिटिश पास्ड एन एक्ट दैट इज कॉल्ड गैगिंग एक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू बैन एनी न्यूज़पेपर और बुक और प्रिंटेड मटीरियल That could weaken the authority of the British government. जो gagging act था उसके under क्या provisions थी कि government, जो British government है वो किसी भी newspaper, magazine या written material को publish होने से मना कर सकती थी, जो ऐसा material जो government की power को weak कर रहा है। Okay? And In our country, now in free India, we got the freedom in 1947. तो अब free India में, independent India में, is there any ban or restriction on the newspaper or media? No, there is not. Okay? Indian जो media है उस पर किसी तरह का कोई control नहीं है. Indian media is free. It is free. टू शो द न्यूज। ओके, एनी टाइप ऑफ न्यूज, ये हर तरह की न्यूज को शो करता है, बट गवर्नमेंट कैन बैन मीडिया। गवर्नमेंट मीडिया को बैन कर सकता है किस कंडीशन में? व्हेन मीडिया ब्रॉडकास्टिंग द आइटम्स दैट आर क्रिएटिंग वायलेंस। मीडिया कोई ऐसी ब्रॉडकास्ट करे न्यूज, ऐसी न्यूज को शो करे जिससे कंट्री में वायलेंस हो, लड़ाई हो, तो ऐसी न्यूज़ को पब्लिश करने वाला, ऐसी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने वाला मीडिया गवर्नमेंट बैन कर सकती है। ओके, सो लेट्स रीड। इंडियन मीडिया इज फ्री बट समटाइम्स द गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग सर्टन आइटम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री और सम रिलीजियस कल्चरल ग्रुप। दिस इज नोन एज सेंसरशिप। तो जो हमारा हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है? आर गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया। किस लिए बैन करती है? इफ इट इज हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री और सम रिलीजियस कल्चरल ग्रुप। अगर मीडिया कोई ऐसी न्यूज पब्लिश कर रहा है जो हमारी कंट्री की भलाई के लिए या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन के लिए गलत हो, उसके इंटरेस्ट में ना हो, तो ऐसी न्यूज़ को पब्लिश करने से गवर्नमेंट मीडिया को रोक सकती है। एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। और इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेंसरशिप। क्लियर? Now our government has given right to information, that is also called RTI Act. Okay, and it was implemented in 2005. ये जो RTI है ये कब start हुआ? In 2005. Okay, in a democracy the government must share the power with the humblest if it wants to एम्पावर द वीकेस्ट। जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर सबके साथ शेयर करती है। अगर वो जो वीकेंड है, जो वीक हैं, उनको पावरफुल बनाना चाहती है, तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो हर तरफ कंट्रोल करे, इफ़ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कंट्रोल इन ईच एंड एवरी एरिया, देन इट नेवर शेयर इट्स पावर विद एनी वन। ठीक है, हम अगर चाहते हैं कि हर तरफ हमारा कंट्रोल हो तो हम अपनी पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। बट इफ वी वांट दैट एवरीवन शुड डेवलप्ड और एवरी एरिया ऑफ द कंट्री, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री मस्ट बी डेवलप्ड, देन वी विल शेयर आर पावर्स विद अदर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ओके, तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो